तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। मैं कह रहा था ना कि वायर रफ यार अक्टूबर जैसे ही आएगा ये लोग फुल मोड में एक्टिव हो जाएंगे और ये लोग एक्टिव हो चुके हैं। मैं कह रहा था ना कि वर्ल्ड कप डील एक बार के लिए खतरे की घंटी है इनके लिए, लेकिन यार इस वर्ल्ड कप को जो खतरे की घंटी लग रही थी इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब सेम वायर रफ ये वही मूव चलना चाह रही है जब फीफा वर्ल्ड कप में पठान का प्रमोशन कर दिया था, एक ही बार किया था और वहाँ से जो ह्यूज रेस्पॉन्स देखने को मिला वो सब हम जानते हैं। 1000 करोड़ ऐसे ही नहीं हो गए, उसका भी बहुत बड़ा योगदान था। अब वर्ल्ड कप में वायर रफ दोबारा से टाइगर 3 का प्रमोशन कर रहे हैं। सलमान खान को वहाँ पर अच्छा खासा टाइम दिया जा रहा है, सलमान खान अच्छा खासा वहाँ टाइम दे रहे हैं। एक टाइप से उनका पूरा टाइगर 3 के बारे में बात हुई, कल मैंने देखा था टाइगर 3 के बारे में बात हुई, बहुत से क्रिकेटर से ये लोग मिले और क्रिकेट की भी अच्छी खासी मतलब इन्होंने तारीफ भी करी। ये भी बोला जैसे भीड़ इस मैच में देखने को मिल रहा है वैसी भीड़ मैं उम्मीद करता हूँ कि थिएटर हाउस में भी देखने को मिलेगी, और यस ऑब्वियसली मिलने वाली है क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर फुल एक्टिव ऑडियंस है, पूरी ऑल इंडिया की एक्टिव ऑडियंस है। सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे देश की एक्टिव ऑडियंस है। जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान वाले ही नहीं देखते हैं, पूरी दुनिया के लोग इस मैच को देखना पसंद करते हैं क्योंकि जो ये मैच होता है ना फिनाले लेवल का मैच होता है, फाइनल लेवल का मैच होता है, ऐसी गुत्थम गुत्था टक्कर देखने को मिलती है और वही कल मंजर हमें देखने को मिला। भाई साहब मज़ा आ गया यार, इंडिया के प्लेयर्स ने क्या खेला है मैं फ़ैन हो गया भाई साहब। ज़बरदस्त तरीके से खेला है, ज़बरदस्त तरीके से धूल चटाई है अपोनेंट टीम को। उसके बाद अभी देखो टाइगर 3 ने इसका भी बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यस ये लोग आग फाड़ने वाले हैं। वायर रफ मतलब इतना अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, इतना अच्छा बूस्ट कर रहा है इस मूवी को। वहाँ प्रमोशन करने के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए और ये लोग वहाँ वो अमाउंट खर्च कर रहे हैं। इट मीन्स ये कि इन्हें अपने कंटेंट पर कितना ज़्यादा भरोसा है, बहुत ज़्यादा भरोसा है। पठान से जो कमाई करी है वही चीज़ वही कॉन्फिडेंस इसमें भी देखने को मिल रहा है। और भी इसके बाद क्या कहते हैं सलमान खान ये चीज़ भी रिवील करते नज़र आए थे कि जो हमने पहले और सेकंड पार्ट में देखा था उससे कहीं ज़्यादा हमें इस पार्ट में देखने को मिलने वाला है। भाई साहब एक बार के लिए अगर मैं कहूँ ना स्पाई यूनिवर्स में मिशन इम्पॉसिबल जैसा एक्शन देखने को मिलने वाला है तो कोई गलत बात नहीं है, बाय गॉड मिलने वाला है। वायर रफ ऐसे ही पैसे खर्च नहीं करेगा, वर्ल्ड कप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा पैसा लगता है, वहाँ प्रमोशन के लिए ऐसे ही खर्च नहीं करेगा। इट मीन्स ये कि कॉन्टेंट इनके पास है और ज़बरदस्त है। इसका रुझान इसकी एक भनक हमें कब लगने वाली है, कल 16 अक्टूबर को कब 12 बजे, यस 16 अक्टूबर कल ट्रेलर आना है, कब 12 बजे में ये ट्रेलर रिलीज कर दिया जाएगा। तो मैं अभी से कह रहा हूँ आप लोग भी इस चीज़ को रिमाइंडर सेट करके बैठ जाओ क्योंकि कल होने वाली है तबाही और जो मंजर देखने को मिलेगा ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। तो भाई साहब जैसा रुझान पठान के टाइम पर देखने को मिला था, पठान ने जो इतनी बड़ी कलेक्शन करी थी वही चीज़ वही सब कुछ सिनेरियो दोबारा से रिपीट होने वाला है। स्पाई यूनिवर्स की टाइगर 3 मुझे लग रहा है सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है और ज़बरदस्त तरीके से ये ग्रोथ करने वाली है। तो आप लोग इस मूवी के लिए कितना इंतजार कर रहे हो, पहले तो ये बताओ कि आप लोग कल के ट्रेलर के लिए कितना इंतजार कर रहे हो। भाई साहब मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि जब टीजर आया था कुछ एक पार्ट में ही वो एक्शन देखने को मिला था और भाई फैन हो गए थे लोग, ज़बरदस्त तरीके से फ़ैन हो गए थे क्योंकि ऑल ओवर टीजर में हमें सिर्फ टाइगर के मैसेज देखने को मिला था, उनकी बातें सुनने को मिली थी, लेकिन वही एटीट्यूड ही काफ़ी था उस बंदे का कमबैक करने के लिए क्योंकि पिछले कुछ टाइम से बहुत सी फिल्में नहीं चली, किसी का भाई किसी की जान 100 करोड़ भी कंप्लीट नहीं कर पाई थी आई थिंक, तो बहुत सी फिल्में सलमान खान की पिट चुकी थी, लेकिन टाइगर 3 बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसीलिए ये लोग यहाँ पर इतना एफर्ट भी मार रहे हैं। तो बहुत ही फिल्म इनकी पिट चुकी थी, अब टाइगर 3 से ज़बरदस्त उम्मीद इनको भी है और फैंस को भी है और हमें तो भाई बेसब्री से इंतजार है ही। तो कल ट्रेलर के लिए आप लोग कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, भाई मैं ज़बरदस्त तरीके से इंतजार कर रहा हूँ, आप लोग कितने बेसब्र हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद। हाँ और नोट कर लेना कल 12 बजे ट्रेलर आउट हो जाएगा। जय हिंद।